दोस्तों, ये वीडियो आपकी परेशानी ख़त्म भी कर सकती है और आपकी परेशानी बढ़ा भी सकती है, क्योंकि इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि जिन दोस्तों के चीटिंग इज बैड का मैसेज आया है, एक्चुअली उसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये डिस्कस करूंगा, और दूसरी बात डिस्कस करनी थी कि जिन दोस्तों को कलरफुल मैसेज आया है उसका मतलब क्या है, और जिन दोस्तों को ब्लैक एंड व्हाइट मैसेज आया है उसका मतलब क्या है, और एक्चुअली हैमस्टर कॉम्बैट ये मैसेज क्यों दे रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर करनी थी वो है दोस्तों, यहीं पर एक कंपनी, एक चैनल जिसका नाम है हैमस्टर की जनरेटर, टेलीग्राम पे बड़ा एक्टिव है, वो बार बार ये कह रहा है कि आपको जो हैमस्टर कॉम्बैट का मैसेज आया है कि चीटिंग इज बैड, आप उसके बारे में परेशान ना हो, आप जिस तरह कीज ले रहे थे वो लेते रहें, आपको बड़ा हिट ड्रॉप मिलेगा। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, मैसेज आया है तो क्या करना चाहिए, कलरफुल आया है तो क्या करना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट आया है तो क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट इस मैसेज के बाद हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए, सारी बातें वीडियो में शेयर करूंगा। तो एक एक सेकंड आपने तवज्जो से बात सुननी है, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद आपके साथ सब चीजें शेयर करने वाला। सबसे पहली बात तो यह है कि हैमस्टर कॉम्बैट ने ये जो बैच अनाउंस किया है कल रात को, जिसमें कहा गया है कि चीटिंग इज बैड, आपका अकाउंट देखा गया है कि सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या था। अमजे की बात आपको बताता हूं, मैंने एक नया अकाउंट बनाया जिसपे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपको तो वैसे भी पता है कि मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि आपने किसी भी शॉर्टकट तरीके से कुछ भी अर्न नहीं करना, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे कार्ड हो, चाहे वो कीज हो। अब जो मैंने नया अकाउंट बनाया था उस पे भी मैसेज आया था कि चीटिंग इज बैड, इसका मतलब ये है कि हैमस्टर कॉम्बैट ने ये सबको मैसेज भेजा है चीटिंग इज बैड। अगर चीटिंग इज बैड का मैसेज सबको जाना कोई बुरी बात नहीं है, खतरे की बात क्या है कि यहां पे दोस्तों आपको मैसेज दो तरह का आता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलरफुल। मुझे जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं सब पे ब्लैक एंड व्हाइट आया, इसका एक्चुअली मतलब यह है कि आपको जस्ट एक मैसेज भेजा गया है, आपके अकाउंट पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं देखी गई। और दूसरे वो दोस्त जिनको ये कलरफुल आया था उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका अकाउंट रिस्क पे है, डेफिनेटली उन्होंने गेम्स के दौरान कभी ना कभी अपने अकाउंट पे फेक कीज जरूर जनरेट की होंगी, उन्होंने अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट पर ग्रो करने के लिए अपने रेफरल में ऐसे दोस्तों को ऐड किया होगा जो बाद में काम करना छोड़ गए, या फिर उन्होंने डेट ईमेल से अपने अकाउंट को इम्प्रूव किया और अपना प्रॉफिट पर आर बढ़ाया। दोस्तों तो यहां पे सुन लीजिए, अगर आपको कलरफुल मैसेज आ भी गया है, इट डजंट मीन कि आप एयर ड्रॉप से महरूम होंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको एयर ड्रॉप मिलेगा बट कुछ कंडीशंस के बाद। लेकिन सारी बातों में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैनल्स जो आपको फेक की जनरेट करके दे रहे थे, उन्होंने कहा जस्ट नो हैमस्टर कॉम्बैट हैज रिलीज ए न्यू अचीवमेंट कार्ड, चीटिंग इज अनफेयर, हालांकि उन्होंने बैड लिखा था। वी वांट टू टेल यू दैट द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस, हम बताते हैं कि एक्चुअली कहानी क्या है, दे आर अफ्रेड ऑफ यू गेटिंग टू मैनी कीज, असल में हैमस्टर कॉम्बैट डर गया है कि आप कहीं बहुत ज्यादा कीज ना लें। तो उसके बाद वो कहते हैं एवरीवन Including new account has received this card. तो ये तो सच्ची बात है कि जिसने भी नया अकाउंट बनाया है उसने ये कार्ड लिया है, पक्की बात है लिया है। To investigate their tactics, we created several new accounts with no history on brand new device just to observe what's going on. They sent this card to everyone as scare tactics.
कि वो सिर्फ आपको डराने के लिए ये कार्ड भेज रहे हैं कि आप कहीं ज्यादा कीज ना जनरेट कर लें। उसके बाद पुशिंग यू टुवर्ड्स थर्ड पार्टी गेम्स एंड एड्स, और वो आपको इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी गेम खेलें, उनके एड्स देखें, उनकी गेम्स पे जाएं, उनके एड्स देख के हैमस्टर कॉम्बैट को पैसा कमा के दें। बट हम जो काम कर रहे हैं ना, ये जो फेक कीज जनरेट करके देने वाले प्लेटफॉर्म हैं आपके टेलीग्राम पे, वो ये मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट को डर लगता है कि कहीं अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा की जनरेट ना कर ली तो उन्हें कहीं बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप देना ना पड़ जाए, तो इसलिए हैमस्टर कॉम्बैट आपको डरा रहा है। हमने ये काम नए अकाउंट्स पे भी करके देखा है, हैमस्टर कॉम्बैट ने वहां पर भी ये किया है। ये सारी बातें हमें बता रहे हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, ये जो चैनल हमें बता रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट आपसे डर गया है कि आप ज्यादा कीज ना लें, लेकिन आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने इनके बॉट्स को यूज करते हुए फेक कीज लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, अपनी कीज को बढ़ाते रहना है और आपने बड़ा एयरड्रॉप लेना है। मान लिया भाई, मान लेते हैं कि ये जो सारे चैनल हैं ये हमारी फेवर में है, ये चाहते हैं कि हम ज्यादा एयर ड्रॉप लें, ज्यादा कीज हो, ज्यादा एयर ड्रॉप लें, इसलिए ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारी खिदमत क्यों कर रहे हैं, क्यों ये हमारे सामने बार बार आके क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं, आप फेक कीज लेते रहो, क्यों, वाई? दोस्तों, मैंने स्टार्ट में कहा था, याद रखिएगा, आपको मैंने बहुत देर पहले कहा था कि ये जो फेक की जनरेटर के चैनल्स हैं पॉसिबल है हैमस्टर कॉम्बैट के अपने खुद हों। जी हां, हो सकता है कि ये सारे चैनल्स हैमस्टर कॉम्बैट ने अपने खुद बनाए हों ताकि वो उसको ट्रैक करने में बड़ी आसानी हो। तो इसलिए दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी का बापू हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे जितना हैमस्टर के टेक्निक्स का पता है किसी को नहीं पता। बट एक बात मैं हमेशा कहता हूं, बेईमानी मत करो, शॉर्टकट मत करो, फेर होके चलो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कीज हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट पर आर हो, कुछ भी हो, फेयर होके चलो। इवन के जो आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया उनको फेयर लेके चलो। किसी भी गेम में फेयर होके चलना आपकी पर्सनैलिटी की निशानी होता है, ये आपके अच्छा होने की दलील है। मैं क्यों अपने व्यूज के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊं? नहीं बताऊंगा। ओपनली मैं आपके सामने कई अकाउंट्स ओपन करता हूं जिन पे थोड़ा सा स्कोर होता है, दूसरे लोगों के मिलियंस होते हैं। मैंने कभी आपको अपने अकाउंट्स पे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बट एक चीज पे मैं सैटिस्फाई हूं कि मैंने आपको कभी गलत काम करने का नहीं कहा। इसलिए दोस्तों, गलत काम मत करो, बेशक जितनी मर्जी क्लेरिफिकेशन ये आपको दें कि आप फेक कीज यूज करो, कुछ नहीं होगा, हैमस्टर कॉम्बैट नहीं पकड़ सकता, नो वे, बिल्कुल नहीं। आपने करना, जो भी करना है ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी से करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट है आपसे कि अब अपना असर के टाइम रोजा मत तोड़िएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, छवां महीना में हो चुका है, अब हम एयर ड्रॉप के करीब हैं। यहां पे अपने अकाउंट सस्पेंड मत करवा लीजिएगा, यहां पे अपना एयर ड्रॉप जीरो मत करवा लेना। अगर समझ आ गई हो यार, आपकी मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो नीचे भैया सिर्फ एक बात लिख दो, हैमस्टर कॉम्बैट नो गैस फीस, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं हैमस्टर कॉम्बैट नो गैस फीस के लिए, कि आप लोगों से एक रुपया भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। बस यही मेरा रिवार्ड है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।